लास्ट माइनक्राफ्ट की वीडियो को अपलोड किए 3 वीक हो गए थे। मैंने दूसरा पार्ट आधा तो बना दिया था, फिर बाकी का आधा नहीं बना पाया क्योंकि घर में सभी थोड़ा पढ़ने के लिए बोल रहे थे। मैं पढ़ाई में ध्यान कम देने लगा था, इसलिए अब से वापस रेगुलर वीडियोस आएंगी। थैंक यू। बैक टू आज हम करने वाले हैं माइनक्राफ्ट के सर्वाइवल सीरीज का एपिसोड नंबर 2। एपिसोड शुरू करने से पहले मैं आपको पहले कुछ दिखाना चाहता हूँ। यह है हमारा आलीशान घर। पता है ये मैंने ऑफलाइन जाके किया है क्योंकि इसमें बहुत सारा टाइम लगने वाला था। मुझे पता आइडिया भी नहीं था मैं कैसे बनाने वाला हूँ, तो इसलिए ज़्यादा टाइम लगने वाला था, इसलिए मैंने ऑफलाइन ही कर दिया। अभी रात होने वाली है इसलिए पहले घर में जाके सो जाते हैं, फिर उसका होम टूर करते हैं। तो मैं सो के उठ चुका हूँ, ये देख सकते हैं ये हमारा घर है। पहले हम इसे थोड़ा एंटर होते हैं, फिर यहाँ पे मैंने 3 दरवाजा लगाया है। मैं सोच रहा था 2 लगाने का, पर मेरा मिडिल पॉइंट 1 था तो 1 दरवाजा तो अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए मैंने 3 लगा दिया है। और इसके बाद मैंने यहाँ पे प्रेशर प्लेट लगा दिया, जैसे अगर मैं गलती से भागता हुआ अंदर चला गया और दरवाज़ा बंद करना भूल गया तो वो ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। और ये रहा हमारा मेन हॉल गलती से। यहाँ पर हमारा बेड है, क्राफ्टिंग टेबल है, और ये क्या है भूल जाता हूँ थोड़ा, लूम, ठीक है। तो इस साइड हम चलते हैं, तो इधर भी मैंने प्रेशर प्लेट लगा दिया है। हमारा स्टोरेज हाउस है, यहाँ पे मेरे सारे चेस्ट रखे हैं, यहाँ पे सारी चीज़ें मैंने संभाल के रखा है, अरेंज नहीं किया है, वो बाद में करूँगा। फिर हम दूसरे साइड चलते हैं, हमारा दूसरे साइड है हमारा सारी तरह का फर्नेस, देख सॉरी घर अटक है। तो यहाँ पर है हमारा ब्लास्ट फर्नेस और नॉर्मल फर्नेस, तो यहाँ पर सारा खाना पीने का, स्मेल्टिंग का, ये सब काम करेंगे। और अगर हम ऊपर जाएंगे तो वहाँ पर एक और रूम है, दिखाता हूँ, ये रहा और रूम। यहाँ पर हम एंशेंटिंग टेबल करेंगे, पर अभी तो मुझे डायमंड नहीं मिला है इसलिए मैं अभी नहीं बनाया हूँ। ये सब घर मैंने क्रिएटिव से नहीं बनाया है। मैंने जो पिछले वीडियो में आपको समुंदर दिखाया था उसके पास ही बहुत सारा सैंड था, तो मैंने वहाँ से सैंड ले आया। और मैं जब केव गया था वहाँ पर बहुत सारा डर्ट था, तो मैं वहाँ से डर्ट भी ले आया, फिर उनसे कंक्रीट पाउडर बना के ये घर बना दिया। ये सब मैंने वीडियो में नहीं बनाया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लंबा समय हो जाता और वो बोरिंग भी लगता, तो इसलिए मैंने वो सब नहीं बनाया। और मैं जब घूम रहा था तो मुझे नेदर पोर्टल जैसा एक नहीं मिलता है, वो पोर्टल वाला जगह मिला, वहाँ से मुझे थोड़ा बहुत लूट भी मिला। और फिर मैं घूम रहा था, मुझे 2-3 केव्स भी मिले। तो आज के वीडियो में हम वो सब केव्स एक्सप्लोर करेंगे और ट्राई करेंगे डायमंड ढूंढ के लाने। तो उससे पहले थोड़ा बहुत टॉर्च बना लेते हैं, देखता हूँ मेरे पास कोल है या नहीं। काश कोल हो, नहीं तो मुझे वापस वही केव में जाके लाना पड़ेगा। ये तो खाली चेस्ट है, इसमें हाँ कोल है, तो चलो इससे थोड़ा बहुत तो बन ही जाएगा, और उड भी होना चाहिए, नहीं तो टॉर्च नहीं बना पाएंगे। इस चेस्ट में देखता हूँ, हाँ यहाँ पे कुछ स्टिक्स पहले से हैं। और हाँ मैं बताना भूल गया, पिछली वीडियो में ऑफलाइन मैंने बहुत सारे पेड़ भी काटे थे, याद आया, सॉरी मैं बार बार चेस्ट भी खोल रहा हूँ। क्राफ्टिंग टेबल में जाके टॉर्च बनाते हैं, तो पहले थोड़ा बहुत तो टॉर्चेस भी बन ही जाएंगे, फिर बाद देखते हैं कितना बने, बस 12 बने हैं, ठीक है। तो पहले स्टिक्स बनाते हैं फिर टॉर्चेस बनाते हैं, कितना हो गया, एक स्टेक लेके चलते हैं, काम तो आएगा ही, 3-4 घूमने हैं, तो एक स्टेक ही लेके जाते हैं, बाकी सब कोल और वुड रख देते हैं, बाद में काम आएगा। यहाँ पे कोल रख देते हैं, ये वाला चेस्ट ज़्यादातर कीमती चीज़ रखा हूँ, ये साइड डस्ट रखा हूँ सिर्फ, क्योंकि वो ज़्यादातर काम में आता है कोई भी चीज़ बनाना हो तो, इसलिए मैंने वहाँ पर रख दिया है। तो इतना खाना तो भी ठीक है, चलो चलते हैं। जैसे करके वहाँ पर पहुँच गया, यहाँ पर रिस्पॉन्स पॉइंट सेट कर दिया, क्योंकि अगर हम मरते हैं तो घर से यहाँ पर आने का टाइम लगेगा। तो चलिए माइनिंग करते चलते हैं, होप करते हैं कि डायमंड मिल जाए। पर कोल तो हाँ पता है, कोल तो हर जगह मिलेगा, इतने से तो नहीं मिलना पता है। तो बाप रे कितना गहरा है, अगर इतना अंदर जाने के बाद कुछ ना मिला ना, बहुत बुरा लगने वाला है। तो चलिए अंदर जाते हैं, चलिए यहाँ चला जाता हूँ, ये बहुत लंबा है तो यहाँ से जा सकते हैं, ठीक है। तो नीचे डिप डाउन करके जाते हैं, पता है ये आइडिया गलत है, पर मैं देख चुका हूँ नीचे कुछ खाई नहीं है, बोलने वाला था खाई आ गई। सील डाउन करके टॉर्च लगाते हैं, ठीक है। ये तो बहुत बड़ा खाई जैसा है, अगर चला जाए तो वापस आने में बहुत लेट होगा। खैर हम कहाँ डरते हैं, अंदर चलो। अंदर से बहुत सारे स्केलेटन्स की भी आवाज़ आ रही है, बीच में मैंने बहुत सारा आयरन देखा है, देखते हैं आगे क्या है। प्लीज़ आज डायमंड मिल जाए, वैसे बहुत नीचे तक है ये, शायद डायमंड मिल ही जाए। यहाँ पे आयरन बहुत सारा है, ये बाद में ले लूँगा, घर में अभी बहुत सारा। वाह इतना गुस्सा आ रहा है, ऊपर क्या है, नहीं बस इतना गहरा था, मैंने सोचा कुछ तो अच्छा होगा, अभी आयरन भी लेने के लिए इतना अंदर आया था मैं। खैर कोई बात नहीं, मैंने बहुत सारे देखा था केव, ये तो बस एक ही, और भी 2-3 था मैंने शायद देखा था ऊपर तक। बाहर आने के बाद दिखाता हूँ मुझे कितना आयरन मिला, और कुछ मिला होगा तो मैं जरूर दिखाऊंगा। ओके हम इतने नीचे आ ही गए हैं, तो चलो लेवल 12 तक ही चले जाते हैं, ताकि टूट गया दूसरा भी देखा, तो लेवल 12 तक जाकर डायमंड सर्च कर ही लेते हैं। यहाँ पे और भी थोड़ा आयरन मिल गया लगता है, यहीं पे यहीं पर केव है, बहुत सारे स्केलेटन्स की आवाज़ आ रही थी थोड़ी देर पहले। फिर चलो देखते हैं, एक अच्छा सा रास्ता बनाता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ, कुछ मिलता है या नहीं। तो मैं खोदते खोदते कहीं तो बाहर आ गया है, यहाँ पे बहुत सारा पानी है, और इधर साइड में देख सकते हैं यहाँ पे मुझे रेडस्टोन मिल गया है, तो चलो कुछ तो मिला, डायमंड नहीं तो यही सही। और नीचे देख सकते हैं ऑब्सीडियन है, यहाँ यहाँ पर लावा था, तो यहीं कहीं पर हमें मिल सकता है डायमंड। ये से टूटता भी है या नहीं, हाँ मिला मिला, मुझे डाउट होने लगा कि आयरन से ही टूटा है या कुछ और से, मैं पानी में इसलिए लेट में टूट रहा है। तो पहले पानी को इधर से थोड़ा बंद कर लेते हैं, नहीं तो तोड़ने में बहुत टाइम लगता है। अब आराम से तोड़ सकते हैं,
मैंने बहुत सारा आयरन भी देखा है। चलो फिर आगे जाके देखते हैं, सर डायमंड मिल जाए। देख सकते हैं मेरा लेवल अभी 11 है। मैं खुद यहाँ पर अटक रहा हूँ, सोच रहा हूँ कि मिल जाएगा। ठीक है, मैं थोड़ा आगे जाके देखता हूँ, फिर आपसे बताता हूँ। सी हो गया था, सोच के कि डायमंड मिल गया, पर ये तो बस लपिस लाजुली है। जिन लोगों को नहीं पता लपिस लाजुली क्या होता है, वो एंटेनमेंट करते वक्त काम में आता है। अभी बस थोड़ा सा ही मिला है, देखते हैं। पहले डायमंड था, इधर से आवाज़ आ रही थी, इधर क्या है भाई? पानिया, चलो तोड़ के अंदर चलते हैं। अरे टूट जा, टूट जा, टूट जा, टूट जा। अरे यार, तो मैंने बहुत देर तक वहाँ पर माइनिंग किया, पर कुछ डायमंड्स तो नहीं मिला। पर मैं भी बोर होकर वहाँ पर जितना भी आयरन था वो ले आया, और यहाँ पर थोड़ा स्मेल्ट कर रहा हूँ। ये रहा कुछ आयरन, इस वाले में है, कुछ दूसरे वाले में है, और मुझे कुछ गोल्ड भी मिले थे कोई, वो यहाँ पर है। और बाकी जो स्मेल्ट हो चुके हैं उसको मैंने यहाँ पर रख लिया है। तो देख, वेट करते हैं, ये सब स्मेल्ट हो जाने दो, उसके बाद हम घर में जाने के बाद आपसे वापस मिलता हूँ। मैं वहाँ से भागता भागता घर पे आ चुका हूँ। आज के वीडियो में जो बनाने वाले हैं उसके लिए बहुत सारे सोवल की ज़रूरत पड़ेगी, तो सबसे पहले बहुत सारे सोवल बना लेते हैं, फिर आपको चल के दिखाता हूँ आज का वीडियो का क्या प्लान है। फार्म देख रहे हैं, ये बहुत ही छोटा लग रहा है। मैं सोच रहा हूँ इसको आज बहुत बड़ा बना दे, जैसे कि कभी भी हमें खाने की प्रॉब्लम ना हो। तो मैं सोच रहा हूँ जितना आगे तो आगे उतना ही रहने देते हैं, पीछे से और थोड़ा वो उस साइड नदी के साइड वाले साइड थोड़ा बड़ा कर देंगे। तो पहले इसके हिसाब से ये इधर से थोड़ा टूटेगा, ठीक है? हाँ, यहाँ से टूटेगा। और उस साइड तो मैं बड़ा करूँगा, उसका हिसाब मैंने नहीं किया है। तो अभी थोड़ा रख देता हूँ, कितना तक होगा उसके बाद आपसे मिलता हूँ। तो मैंने इतना बड़ा जगह खोदा है, सोच रहा हूँ इतना बड़ा बनाऊँगा, अगर ज़रूरत पड़ेगा तो और थोड़ा बड़ा करूँगा। तो देखते हैं मैं जितना तक काम बन करता हूँ, देखिए वो वाला पार्ट थोड़ा। वीडियो बनाने में ज़्यादा समय इसलिए लगता है क्योंकि इसका रिकॉर्डिंग करने पर मेरा मोबाइल थोड़ा काम करना स्लो कर देता है, और ऊपर से इसमें बहुत लंबा पार्ट होता है, इसलिए इसको एडिटिंग में भी बहुत टाइम लगता है। और अगर आपको ये ज़्यादा चाहिए तो बताइए, मैं रोज़ ट्राई करूँगा खेलने का। इसे थोड़ा थोड़ा रिकॉर्ड करते करते मैं जल्दी जल्दी वीडियो अपलोड कर पाऊँगा। इतना बड़ा सा जगह बनाया है, ये करीब करीब उससे डबल से भी थोड़ा ज़्यादा बड़ा है, पीछे भी थोड़ा लंबा हो रहा है। इसलिए देखते हैं आगे जाकर अगर प्रॉब्लम होगा तो उसको वापस करेंगे। पहले इसको थोड़ा हो कर लेते हैं, एक मिनट। अगर हो करते जाएंगे तो पानी नहीं डालेंगे तो वापस ख़राब हो जाएगा। पहले पानी लेके आते हैं, बकेट अंदर ही होगा। इधर तो चेस्ट रखता हूँ, इधर ही होगा। देखते हैं कौन से वाले में रखा था, याद नहीं है। इसमें नहीं है, दूसरे में देखता हूँ, इसमें भी नहीं है। हाँ, यहाँ पर है तीन। अब देखिए मैं एक ट्रिक दिखाने वाला हूँ, आप कैसे दो ही बकेट से आराम से अपना फार्म का भर सकते हैं। क्या करते हैं ना, कुछ लोग एक 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 पानी ला ला के भरते हैं, इससे ज़्यादा अच्छा है बस दो बकेट ले जाओ, उससे भी हो जाएगा। मेरे पास तीन बकेट है इसलिए तीन ले रहा हूँ, बस दो का ही काम है। ऐसा है कि पहले वाला हमारा जो ब्लॉक होगा उसमें पानी डालेंगे तो वो पूरा बह के जाएगा, फिर दूसरे को छोड़ के हमें तीसरे वाले में पानी डालना है, कुछ इस तरह। देखिए
तो देखिए दूसरा वाला इन्फिनाइट बन गया, तो दूसरे वाले को उठाएंगे तो वापस वहाँ पे बन जाएगा। ऐसे एक एक छोड़ छोड़ के डालते जाएंगे तो इससे क्या होगा, इन्फिनाइट बनता ही जाएगा। बस दो बकेट से आप इन्फिनाइट बना सकते हैं। वैसे ही मैंने घर के सामने चार वाला बनाया है, उसमें भी दो ही बकेट डालेंगे तो चार वाला बनता जाएगा। घर काम कर रहा था, मैंने देखा कि यहाँ पे क्रीपर आ गया था हमारे फार्म के अंदर, तो मैं बस यहाँ पे उसको मारने आया, वो फूट गया और यहाँ से कुछ सीप निकल भी गए। अब वापस इनको मारना पड़ेगा, उनको तो बाद में हम ब्रीडिंग करके ज़्यादा कर सकते हैं, पर इनको बाहर आ गए तो खाने के लिए इस्तेमाल ही कर लेते हैं। माइनक्राफ्ट देखना अच्छा लगता है तो ज़रूर कमेंट करके बताइए, लाइक करिए और कमेंट में बताइए कि आपको और कोई गेम अगर चाहिए तो वो भी बताइए। मैं ये माइनक्राफ्ट का सीरीज़ तो नहीं छोड़ने वाला हूँ, और अगर आप भी खेलना चाहते हैं तो मैं कुछ ट्रिक्स भी डाल सकता हूँ, तो ज़रूर कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए। बड़ा कुछ इलाका बनाया है अभी तक, सोच रहा हूँ सबसे पहले कैरेट सबसे ज़्यादा उसके और वीट सबसे ज़्यादा उगाते हैं तक, क्योंकि वीट और कैरेट अभी ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि वीट और सीड से हम चिकन और काओ सीप ये सब कर सकते हैं, और कैरेट से हम पिक का ब्रीडिंग कर सकते हैं, तो उन सब की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। बीटरूट ये सब तो सिर्फ हमें ट्रेडिंग के लिए चाहिए, तो अगले एपिसोड में जब मैं विलेज बनाऊंगा उसके बाद ही ये सब करूंगा। वो पास के विलेज के लोग मर जा रहे हैं। बस इतना ही बड़ा मैंने बनाया है, मेरे सीड्स ख़त्म हो गए, ये सब बड़े होने के बाद वापस उनसे काट के यहाँ पर लगा दूंगा। देख लीजिए ये कितना बड़ा है अभी के लिए, और उधर दूर में मैंने थोड़ा शुगर कैन फार्म और इधर सीप फार्म बनाया है, और बाद में इस साइड में काओ पिग और चिकन्स का भी बनाऊंगा। और आप ज़रा देखिए इस घर को, मैं सोच रहा हूँ इसको और भी बड़ा बनाएंगे, पीछे की ओर भी थोड़ा लेंगे, तो देखिएगा और बताइएगा, और इस साइड और कुछ बनाऊंगा तो बोलिएगा। और हाँ, मुझे साइड में इधर जो विलेज है, मैं उधर विलेज से कुछ लाके वहाँ पीछे एक और बड़ा विलेज बनाऊंगा, ताकि मैं आराम से ट्रेडिंग कर सकूं। आपको कैसा लगेगा बताइएगा, और कुछ आइडिया होगा तो ज़रूर बताइए। थैंक यू। You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. No, it's your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon, and I'll do it.